हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। किस चीज़ का? क्योंकि हमारे पेपर आ रहे हैं तो हम उसका बार बार रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करेंगे तो आप लोग भी रिवीजन करेंगे तो पेपर बहुत अच्छे से आप देंगे, इसलिए हम आप लोगों को बार बार रिवीजन करवा रहे हैं। आज हम फिर से व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर का रिवीजन करेंगे। ओके, तो हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपके ये प्रश्नों के उत्तर का रिवीजन है ना। अब प्रश्न पहला आता है व्याकरण का, कि सबसे पहला प्रश्न आता है भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? ओके, अब उत्तर है कि भाषा किसे कहते हैं। आपको मैंने लिखवाई थी कि जो शब्द हमारे विचार प्रकट, जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। ये प्रश्न पहला, जो शब्द हमारे विचारों को, सॉरी यहाँ पे को नहीं थी मैंने, हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं। ओके, उसके बाद में है प्रश्न नंबर दूसरा। अब आपका प्रश्न नंबर दूसरा है वर्ण किसे कहते हैं। अब उत्तर आएगा उसका कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको ये मैंने इसके पहले भी लिखवाई थी कि वर्ण पाठ में से जो थे कि वर्ण किसे कहते हैं, तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ओके, उसके बाद प्रश्न तीसरा है ना। क्या है प्रश्न तीसरा? है स्वर के कितने रूप होते हैं। क्या है स्वर के कितने रूप होते हैं? तो स्वर के कितने रूप होते हैं? उत्तर लिखेंगे हम स्वर के कितने रूप होते हैं, तो स्वर के दो रूप होते हैं। ओके, स्वर के दो रूप होते हैं।
ओके, तो ये हमने तीन प्रश्न किए कि भाषा किसे कहते हैं, जो शब्द हमारे विचारों को प्रकट करते हैं उनको भाषा कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, स्वर के कितने रूप होते हैं, स्वर के दो रूप होते हैं। अब उसके बाद में है कि भाषा के कितने भेद होते हैं। प्रश्न चौथा है भाषा के कितने भेद होते हैं। ये प्रश्न है आपका कि भाषा के कितने भेद होते हैं। अब भाषा के कितने भेद होते हैं ये आपको मैंने बताई थी कि भाषा के आपको आपकी बुक से बताई थी कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के दो भेद होते हैं। उत्तर, भाषा के दो भेद होते हैं। पहला है वहाँ पर आपका मौखिक भाषा, मौखिक, और दूसरा है लिखित। क्या है? लिखित, है ना। तो भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक एंड लिखित। तो ये मैंने आपको चार प्रश्न बोर्ड पे लिखवाई हूँ, व्याकरण का रिवीजन करवाई हूँ मैंने। ये आप देखिए इसमें कि ये चार प्रश्न हैं, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, ये चार प्रश्न हो गए आपके। अब ये चार प्रश्न आपने देख लिए, इसके आगे के प्रश्न में मैं और बताती हूँ आपको कि जो है और भी रिवीजन कर लेते हैं। तो हम इसके बाद में भाषा के कितने भेद होते हैं हिंदी। अब प्रश्न पांचवा क्या आएगा, प्रश्न पांचवा हिंदी, है ना। प्रश्न पांचवा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, जाती है, है ना। उत्तर आएगा इसका कि हिंदी देव नागरी, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, प्रश्न नंबर पांचवे का। ओके, उसके बाद में आता है कि आपको ये प्रश्न पांच तक मैंने आपको पूरे करवा दिए, है ना। तो आपको मतलब ये इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर हमने प्रश्न पांच तक आपको रिवीजन करवाए। अब इसमें हम कुछ आपको मतलब इसमें और भी करवाएंगे। पहले प्रश्न को आप देख लीजिए कि इसको हमने इस तरह से लिखे कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ओके, अब यहाँ पर हम कुछ इस तरह के भी और रिवीजन कर लेते हैं, एकाध उसका अपने वाक्यों में है या कुछ ऐसा है तो उसका भी ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो हम जैसे आपको कुछ वाक्य में प्रयोग बताते हैं, एक दो हिंदी दर्पण के। क्या? हिंदी दर्पण रिविजन, वाक्यों में प्रयोग,
है ना, क्या है वाक्यों में प्रयोग करो। सबसे पहला है आपका नदी, क्या है नदी, है ना। तो अब नदी का क्या आएगा, गंगा एक पवित्र पवित्र नदी है, क्या है गंगा एक पवित्र नदी है, ये आपके उसका वो था। अब है सूझबूझ, दूसरा क्या है सूझबूझ। तो हमें बहुत सूझबूझ से, हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ओके, ये प्रश्न सॉरी वाक्य है कि नदी गंगा एक पवित्र नदी है, सूझबूझ हमें बहुत सूझबूझ से काम लेना चाहिए। ये दो वाक्य लिखवाई मैंने आपको, मतलब शब्दों में वाक्य प्रयोग करवाई। ओके, तो आप इनको कॉपी में इतना रिवीजन करना है कि आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाए, क्योंकि आपको ये पेपर आगे चल के देना है। तो मैं पूरी बुक का आपको जहाँ तक सिलेबस है उसमें रिवीजन करवा रही हूँ। आप इसी तरह से उसको रिवीजन करें, कॉपी में प्रश्न लिखें वो और वाक्य लिखें और उनको फिर बुक बंद करके लिखिए और एक वीडियो सेंड कीजिए, ये मेरा होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।